नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं पहला सुख निरोगी काया। इस शरीर का काया का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा भोजन। तो दो तरह के भोजन होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और एल्कलाइन। क्या हम जानते हैं कि ज्यादातर भारतीय खाने एसिडिक होते हैं, इसलिए बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हम बीमार होने लगते हैं, हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो इसको बैलेंस किया कैसे किया जाए, इसको कैसे हम बराबर रख सकते हैं दोनों को, एसिड और अम्ल क्षारीय को। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं कि ऐसा पानी वाटर तैयार किया जाए जो एल्कलाइन है, उसको तैयार करने की विधि के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं गुरुदेव के साथ कि कैसे हम हमारी बॉडी में एसिड को बैलेंस किया जा सकता है, क्षारीय पानी कैसे बनाया जाए। हम लोग जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अल्कलाइन भोजन हमको करना जरूरी है। अल्कलाइन और एसिडिक क्या क्या है इस पर भी ध्यान देना। जितना अनाज खाते हैं वो सब एसिडिक हो जाता है, सब्जी जो खाते हैं वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज। अल्कलाइन पानी कैसे बनाते हैं पता है, 1 लीटर पानी रखो एक जग में, काकड़ी उसमें डाल दो, 4 पीस छोटे छोटे पीस काकड़ी और छोटे छोटे नींबू के 2 पीस उसमें डाल दो और रात भर रह जाए, सुबह वो अल्कलाइन पानी हो जाता है। फिर 1 दिन 1.5 दिन तक उसको हम पी सकते हैं। और कब पीना चाहिए, सुबह उठ के थोड़ा सा पी लेना, फिर भोजन के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए और भोजन से पहले भी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 2 घंटे बाद उसको थोड़ा और पानी पी लो। इस तरह से करोगे तो हमारे जो रक्त है वो अल्कलाइन होएगा, ब्लड अल्कलाइन होता है तो ब्लड की अच्छा सर्कुलेशन होता है। फिर मगज का दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर में दर्द, ये सब आप देखोगे अपने आप दूर होता है।